हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने ये देखा होगा कि आपके कॉकटेल्स अंडे तो दे रहे हैं, उनके अंडे भी फर्टिलाइज भी है, पर उनमें से बच्चे नहीं निकल रहे। सो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वो पैर नया है, वो प्रॉपरली इंक्यूबेट नहीं कर पा रहा है अपने अंडों को, और उसकी वजह से वो बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, अगर हम लोग इंक्यूबेटर यूज करें। इंक्यूबेटर यूज करके हम लोग बहुत अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं, सारे अंडे जो फर्टाइल है उसमें से बच्चे भी बाहर आ सकते हैं। ये मेरा हैंटेन कॉकाटिन का पेयर है, जिसको मैंने पिंजरे के अंदर ही ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हुआ है। इसको 2 बार मैंने ऑलरेडी ब्रीडिंग कर चुकी है, सेकेंड टाइम की ब्रीडिंग का रिजल्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने जो अंडे दिए थे वो सारे अंडे फर्टाइल थे, और बट वो सारे अंडे जो थे उनमें से चिक्स बाहर नहीं आए। आप देख सकते हैं अंडों का कलर जो है वो एकदम डार्क हो चुका है, क्योंकि अंदर चिक्स थे पर वो अंदर के चिक्स सारे मर चुके हैं। हम लोग इसको एक कैंडलिंग के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे ये सारे अंडे जो है ये फर्टाइल थे, इनके अंदर चिक्स भी डेवलप हो रहे थे, पर वो चिक्स सारे जो है वो सारे चिक्स मर चुके थे अंडों के अंदर ही अंदर। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक रात भी वो कॉकाटेल उन अंडों के ऊपर नहीं बैठता है तो इसका मतलब ये है कि वो अंडे प्रॉपरली इंक्यूबेट नहीं होंगे, और अगर वो प्रॉपरली इंक्यूबेट नहीं होंगे तो उनमें से चिक्स बाहर नहीं आएंगे। और ज्यादातर ये होता है नए कॉकाटेल पेयर के साथ में। एक बार अगर उन कॉकाटेल्स ने बच्चों को खिला दिया, उनको बड़ा कर दिया, तो वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं और फिर ये सारी समस्याएं नहीं होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह ये 10 या 12 डेज का जो चिक है वो अंदर ही अंदर एक के मर गया है, और जिसकी वजह से इस अंडे का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। मैंने करीब 25 से 28 दिन तक वेट किया इन अंडों में से चिक्स निकलने का, और फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, ये चिक्स जो है वो मर चुके हैं, क्योंकि उनका कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा था और कोई मूवमेंट नहीं दिख रही थी अंदर उनके। साथ ही साथ आप नेक्स्ट वाला भी देख सकते हैं, इसमें भी ये करीब 8 से 10 दिन का चिक है जो मर चुका है। और ये समस्या आपको हमेशा देखने को मिलेगी जब आपका पैर नया होगा। मैंने फिर से इन पैर को ब्रीडिंग पे लगाया, और नेक्स्ट टाइम इन्होंने फिर से 5 अंडे दिए, जिनमें से 3 अंडों को मैंने ऑलरेडी डमी एग से रिप्लेस कर दिया है। डमी एग्स जो है वो आपको किसी भी बर्ड शॉप में आसानी से मिल जाएंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जब फर्टाइल एग को निकालें ब्रीडिंग बॉक्स में से तो उसको एक डमी एग से रिप्लेस कर दें, ताकि जो कॉकाटील है वो उसको हमेशा ब्रूड करता रहे, उसको लगे कि उसके अंडे जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये देख रहे हैं आप डमी एग, ऐसे इस तरह से डमी एग आता है, वो उसी साइज का आता है जिस साइज का आपका कॉकाटील का एग होता है। जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉकाटील का पेयर है वो भी आसानी से उस पर बैठ रहा है और उसको हमेशा इंक्यूबेट कर रहा है। मैंने एक ये इंक्यूबेटर लिया है, और इस इंक्यूबेटर में मैंने सारे जो एग्स फर्टाइल्स थे उनको मैंने डाल दिया है। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर जो है वो 37.5 के आसपास रखा है, ±1 डिग्री चलता है, क्योंकि इंक्यूबेटर जो है वो ±1 डिग्री जो है वो फ्लक्चुएट करता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे ट्रे में अंदर सारे अंडे रखे हुए, कुछ बजी के अंडे भी अंदर रखे हुए। यहाँ पे मैंने 2 पेयर के अंडे लगाए जो कि इंक्यूबेटर के अंदर मैंने अच्छे से रखे हुए, 2 अलग अलग ट्रे के अंदर। अभी मैं आपको इंक्यूबेटर खोल के भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। अगर मैं इंक्यूबेटर खोलता हूँ तो उसके अंदर मैंने एक छोटा सा ह्यूमिडिफायर भी लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पता लगे। ह्यूमिडिटी को जो है वो आपको 60 से 70 के बीच में मेंटेन करना है, और 36 से लेके 37 तक जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करना है। अगर आप ये टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे तो जब आप अंडा रखेंगे इस इंक्यूबेटर में, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो एग है वो फुली डेवलप हो जाएगा। 15 दिन के बाद आपको इस एग को ट्रांसफर करना है कॉकटेल के पास और अपना डमी एग निकाल लेना है। सो 18 दिन से के आसपास वो एग जो है वो हैच हो जाएगा। अभी फिलहाल ये इंक्यूबेटर मुझे वार्निंग दे रहा है कि जल्दी से इसका ढक्कन जो है बंद किया जाए, क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने लिड बंद कर दी उसका टेम्परेचर जो है वो फिर से बढ़ने लगा है, 37 के आसपास जाएगा, और आप देखोगे कि जो एग्स है वो भी प्रॉपरली वहाँ पे सेट हो जाएगी। हम उसको
कैंडल भी कर सकते हैं इस इंक्यूबेटर के थ्रू। सो यहाँ पे एक एलईडी लाइट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप उस एग को कैंडल भी कर सकते हैं। ये जो इंक्यूबेटर आता है इसमें जो अंडे होते रखे होते हैं वो अपने आप मूव होते हैं, जो ट्रे है वो थोड़ी देर लेफ्ट और राइट मूव होता है, जिसकी वजह से जो अंडे है वो अपना साइड जो है वो चेंज करती है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो अंडे जो है वो प्रॉपरली इंक्यूबेट नहीं होंगे। सो आपको ऐसा इंक्यूबेटर लेना है जिसमें कि ऑटोमेटिकली वो जो ट्रे है वो मूव हो और उसकी वजह से जो अंडे जो है वो प्रॉपरली इंक्यूबेट हो पाए। इंक्यूबेटर में जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो आपको प्रॉपरली सेट करनी है। हर इंक्यूबेटर के साथ में उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, और उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिखाई दिया होता है कि किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर पर उस इंक्यूबेटर में एग्स हैच हुई है। यहाँ पे आप एक और बार देख सकते हैं कि फिर से ट्रे जो है वो मूव हो रहा है, और उस ट्रे के मूव होने के साथ ही साथ जो अंडे हैं वो भी मूव हो रहे हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अंडे सारे साइड से इंक्यूबेट हो सके। अगर आप देखें कि कोई अंडा जो है वो स्टक कर गया है, वो प्रॉपरली मूव नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप उस अंडे को निकाल के दूसरी साइड के ट्रे में रख दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 में से 4 अंडे जो है वो हैच हो चुके हैं, और क्योंकि ये इंक्यूबेटर में उनका इंक्यूबेशन पीरियड सारा इंक्यूबेटर में निकला है, ये सारे जो अंडे हैं वो नियर अबाउट सेम टाइम पे हैच हुए, एक एक दिन के इंटरवल में। ये सारे चिक्स जो है वो बहुत ही हेल्दी थे। 4 में से 3 चिक्स जो है वो बड़े हो चुके हैं, एक चिक्स जो है वो ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज वो एक्सपायर हो चुका है, और 3 चिक्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आप इंक्यूबेटर को यूज करके अच्छे से ब्रीडिंग दे सकते हैं, खास करके तब जब आपके जो पेयर है वो सारे फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस कर रहा है पर उनमें से चिक बाहर नहीं आ रहे। सो उस केस में आप इंक्यूबेटर का यूज करें और सारे जो अंडे हैं उनमें से चिक्स को बाहर निकाल सकते हैं। याद रखिए कि Day 1 से लेके 15 दिन तक आपको उस अंडों को इंक्यूबेटर में रखना है। 15 दिन के बाद जो है वो अंडे मूव नहीं होने चाहिए, उन अंडों को निकाल के आप फिर से बर्ड्स के पास ब्रीडिंग बॉक्स में रिप्लेस कर दें, डमी अंडों को निकाल दें, उसकी जगह पे ये 15 दिन के जो इंक्यूबेटेड अंडे हैं वो रख दें। और उसी के साथ आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी जो चिक्स है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी ब्रीडिंग की जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ा सकते हैं, ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। जो आपका जो पेयर है वो भी उसको अच्छा लगेगा जब उसके अंडे जो है उन्होंने जो अंडे दिए हैं उसमें से उसके चिक्स बाहर आएंगे। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि इंक्यूबेटर का टेम्परेचर, उसमें से कैसे मैंने अंडे रखे, जो एक अलग ही प्रोसीजर मेरे लिए, एक अलग अलग एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो आप लोग भी एक बार फिर से देखिए कि किससे कैसे वो अंडे जो है वो ट्रे में मूव होते हैं, अंडे जो है वो कैसे ट्रे में सेट होते हैं। अंडे अगर फंस जाए तो उनको निकाल के फिर से दूसरी साइड वाली ट्रे में रखें ताकि वो अंडे सारी जगह से इनक्यूबेट हो पाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे सपोर्ट करें, और इस वीडियो को भी एक लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। अगर आपके कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस को या कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।